हमारे पास इल्म दिन सीखने के जराई आज ज्यादा है पता है आपको मैं जब छोटा था ना आपकी उम्र में हमारे जमाने में टीवी चैनल्स नहीं थे यूट्यूब नहीं थे फेसबुक नहीं थे जिसके जरिए हम दीन सीखे किताबें नहीं आती थी कभी पता चला हमें कि किसी के वहाँ कोई मौलाना आ रहे हैं कोई मस्जिद में दूर 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर तो हम लोग जाते थे आधा पौना घंटा सुनते थे जजाकल्ला बोल के आते थे बहुत कुछ सीखने मिला आज इस्लाम सब जगह पर अवेलेबल है कि नहीं लाइब्रेरीज में इस्लाम है आपके घरों के अलमारियों में भी इस्लाम होगा किताबों की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इस्लाम के फेसबुक पे इस्लाम है इस्लाम सब जगह पे है खाली एक जगह पे नहीं है हमारी जिंदगी में नहीं है जहाँ होना चाहिए वहीं नहीं है क्यों नहीं है इसलिए कि हमने उसका शौक नहीं रखा वन रीजन हमने उसको अहमियत नहीं दी आपके वहाँ जो मैथ्स टीचर आती है ना उस पढ़ाने मैथ्स ट्यूशन आप अगर एस में टेंथ ग्रेड में और आपको हाई ग्रेड्स चाहिए और आपको मैथ्स का ट्यूशन रखना पड़ेगा कितनी फीस देते आप दो हजार तीन हजार पर मंथ पता है कभी कभी एक घंटे का पैसा लेते हैं कौन से बोर्ड में पढ़ते हैं आप उसकी फीस अलग लेकिन वो बेचारे मौलाना आपको दीन सिखाने आते हैं उसको आप डेढ़ सौ दो सौ रुपया देते हैं है कि नहीं क्यों ऐसा हमने दीन को सेकंड क्लास बना दिया तो क्या हो गया हम लोग सेकंड क्लास हो गए मुस्लिम डॉक्टर्स है इंजीनियर्स है लेकिन सेकंड क्लास है क्यों कि दीन को सेकंड क्लास बना दिया इसीलिए प्रायोरिटी दीन की होनी चाहिए नहीं कहता हूं कि स्कूल मत जाओ मैं ऐसा नहीं कहता हूं स्कूल जाओ लेकिन आपका एक सिलेबस होना चाहिए इस्लामिक सिलेबस जो आपकी कब्र में भी काम आएगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें